आज तड़के आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है। हादसे में करीब 29 लोगों की मौत हो गई है और 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बस लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तभी आगरा में झरना नाले के पास ये घटना हो गई और बस नाले में लुढ़कते हुए पानी में डूब गई। पुलिस द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है, जहां एक्सप्रेसवे पर बस के लुढ़कते ही चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जेसीबी और क्रेन की सहायता से राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे और हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। गंभीर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे को लेकर संज्ञान लिया गया है, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को घायलों के समुचित इलाज की निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और परिवहन राज्य मंत्री से अनुरोध किया है कि वो बस के दुर्घटना स्थल की जांच करें और अस्पताल में घायलों का दौरा कर उनकी चिकित्सा की देखरेख करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों की मौत पर दुख जताया है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को घायलों की हर संभव मदद करने और बचाव का काम तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ये घोषणा यूपी रोडवेज ने की है। दरअसल जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब ज्यादातर लोग नींद में थे और उन्हें बच पाने का मौका भी नहीं मिला और बस पानी में गिर गई। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में लग गई है और बस पानी में होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मृतकों के शव को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। तड़के 4:30 बजे हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना ने कईयों की जान छीन ली है और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।